हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो वायरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो और मैं फिर से एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और गाइस, जैसा कि यार आप लोगों को मैंने बोला था यार कि मैं ये पूरा वीक कोशिश करूंगा गाइस कि बीटा वर्जन के ऊपर ही वीडियो बनाने की, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल गाइस ग्लोबल वर्जन में कोई भी अच्छा इवेंट नहीं आ रहा। तो मैं गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा बीटा वर्जन के ऊपर ही यहाँ पे वीडियो बनाने की। तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हो, और आप लोग का एक न्यू फीचर है गाइस टीम अप प्लेटफॉर्म, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, जो गाइस यहाँ पे नॉर्मली मतलब रैंडम बंदों के साथ खेलते हैं। तो गाइस मैं बता दूं यार, इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यार फायदा होगा, खास करके यार जो भी बंदे यहाँ पे रैंडम लोगों के साथ खेलते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि यार आप लोग को अच्छे से गाइस इस फीचर के बारे में समझ में आ सके। और गाइस यार यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बोलना चाहूँगा कि डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप और सबमिट करो, बस 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पाओ। साथ ही क्लास 6 से 12 लेकर नीट, आईआईटी, जी मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। सो के यार जैसा कि आप लोगों को पता हो यार कि आप लोग का 0.18.0 वर्जन में गाइस देख सकते हो एक न्यू फीचर आया था ड्रॉप टैक्टिक करके, जहां पे गाइस आपके पास ऑप्शन था स्लो एंड स्टडी, यानी गाइस जो सेफ खेलते रैंडम के साथ वो सेलेक्ट कर सकता था, या फिर गाइस हॉट ड्रॉप करके आपके पास ऑप्शन था, यानी गाइस जो यहां पे हॉट लोकेशन में यहाँ पे उतरते गाइज उसके लिए ऑप्शन था। लेकिन गाइज इतना काफ़ी नहीं था गाइज रैंडम प्लेयर के साथ खेलने में, तो इस कारण से यहाँ पे पबजी वाले ने एक न्यू फीचर ऐड किया 0.19.0 वर्जन में, जो कि है गाइज टीम अप प्लेटफॉर्म। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो नीचे में ब्रदर्स इन आर्म्स के बगल में टीम अप प्लेटफॉर्म करके आप लोग को ऑप्शन दिख रहा। और गाइज यहाँ पे फिलहाल रूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यार इस कारण से रूल तो यार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गाइज यहाँ पे जो राइट साइड में आप लोग को ऊपर में उसको गाइज मैं क्लिक करता हूँ, और गाइज आप लोग को बताता हूँ कि रैंडम प्लेयर के साथ अब खेलने के बाद क्या क्या फायदा आप लोग के पास होगा। तो गाइज पहला तो यार आप लोग मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो गाइज मैं यहाँ पे क्लासिक सेलेक्ट कर चुका हूँ। दूसरा गाइज मैप है, तो गाइज यहाँ पे इरेंगल, जैसे कि ज़्यादा लोग खेलते हैं तो इरेंगल सेलेक्ट किया हूँ। उसके अलावा गाइज पर्सपेक्टिव है, तो गाइज यहाँ पे टीपीपी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके अलावा गाइज ज्वाइन यानी कि डुओ या फिर स्क्वाड, तो यार वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद गाइज अब यहाँ पे देखो लोवेस्ट टीयर, यानी गाइज आप लोग कौन सा अपने मतलब टीममेट में चाहते हो कौन सा टीयर का प्लेयर। तो गाइज अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे एस टीयर में होगा, तो गाइज आई गेस यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग को क्राउन तक का ऑप्शन देगा, यानी गाइज आप लोग क्राउन के प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इस टैक्टिक है, यानी कि आज आप लोगों को जैसा कि ये तो यार ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हॉट ड्रॉप या फिर आप लोग यहाँ पे स्लो एंड स्टडी खेलना चाहते हो। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन, यानी आप कौन सा सर्वर पे खेलना चाहते हो। उसके अलावा गाइस यार यहाँ पे आप लोग का लैंग्वेज, यानी गाइस आप लोग यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज मतलब आप लोग यहाँ पे प्रीफर करते हो बोलना, आप लोग चाहते हो यार यहाँ पे इंग्लिश या फिर गाइस आपका जो लोकल लैंग्वेज रहता है हिंदी हो गया गाइस, तो यार ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइस यार यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, माइक्रोफोन का आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यानी गाइस यार आप लोग यहाँ पे माइक ऑन करके खेलना पसंद करोगे या फिर गाइस ऑफ करके। नॉर्मली गाइस क्या होता है कि रैंडम के साथ यार खेलते हो तो यार वो लोग का माइक ऑफ रहता है, तो इस कारण से यार थोड़ा खेलने में प्रॉब्लम आती है। तो इस कारण से यार यहाँ पे माइक्रोफोन का भी इस बार ऑप्शन रहेगा, यानी गाइस अगर आप लोग मान लीजिए चाहते हो कि माइक ऑन करके खेलना चाहते हो, तो गाइस ये बहुत ही सही फीचर मेरे को लगा। और यार आप लोग भी कमेंट करके बताना यार कि ये फीचर आप लोगों को कैसा लगा, खास करके यार जो भी रैंडम लोग के साथ खेलते हैं उनके लिए तो यार ये बहुत ही सही फीचर है। और गाइस यार अभी फिलहाल यार लोएस्ट ईयर मेरा ब्रॉन्ज है, इस कारण से मैं और ज़्यादा यार यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकता यार कि आप लोग कितना नीचे तक मतलब कौन से टीयर तक का आप लोग यहाँ पे प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार यार ग्लोबल वर्जन में जब आ जाएगा तो गाइस मैं और ज़्यादा क्लियर बता पाऊंगा यार कि आप लोग कौन सा मतलब लोएस्ट टीयर में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से रैंडम प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ये 5 मिनट तक यार मतलब ये सर्च करेगा, अगर 5 मिनट में यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं आता यार ये ऑटोमेटिकली आप लोग का देख सकते हो ये मतलब आप लोग का रिफ्रेश हो जाएगा। तो गाइस यार ये बहुत ही सही फीचर है, और गाइस यार अभी फिलहाल क्योंकि ये बीटा वर्जन है इस कारण से यहाँ पे देख सकते हो कोई भी प्लेयर मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस जैसे ही आप लोग ग्लोबल वर्जन में आ जाओगे तो गाइस इससे यार डेफिनेटली रैंडम प्लेयर को गाइस काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्विक ज्वाइन, यानी गाइस आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे या फिर गाइस रिफ्रेश का ऑप्शन है यहाँ पे, गाइस आप लोग प्लेयर को मतलब देख सकते हो कि यार कौन से यहाँ पे टीयर में, उसके बाद आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
सुयस गाइस बेसिकली यही था यार टीम अप प्लेटफॉर्म। यार मैंने कंप्लीट गाइस आप लोग को इस फीचर के बारे में बता दिया। बाकी गाइस आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो गाइस आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और गाइस जैसा कि मैंने बोला अभी यार ये बीटा वर्जन है, इस कारण से मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं बता सकता। लेकिन गाइस एक बार ग्लोबल वर्जन में आ जाएगा तो गाइस यहाँ पे जो लोएस्ट ईयर वो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि यहाँ पे देखना मतलब वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मान लीजिए आप एस टीयर में तो आपको कौन से नीचे रैंडम प्लेयर टीयर का मिल सकता है। तो यस गाइस बस आज के लिए इतना ही। चलो गाइस यहाँ पे गिव अवे का विनर पिकअप करता हूँ और मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और एंट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me.